देखिए, आप भी जानते हैं कि वो बयान किसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबने सुना है। और जो उन्होंने कहा, मुझे तो उस पर ज़्यादा हैरानी भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें आई हैं, उन्होंने हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया है, बदले की भावना से अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी नहीं बख्शा, उनको भी राजनीतिक आधार पर उन्होंने प्रताड़ित हमेशा किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, जो विक्रमादित्य, क्योंकि युवा विधायक है, उनके मुंह से सच्चाई निकली है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बदले की भावना की राजनीति की कड़ी निंदा करती है, और ये मानती है कि इस तरह की राजनीति ना तो प्रदेश हित में रहती है, ना तो जनहित में रहती है। इसलिए हम इस राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं। और जो विक्रमादित्य जी ने सफाई दी है, वो सफाई किसी के गले नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके बयान, उनके भाषण से कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो उनका भाषण लाइव हुआ है, सबने सुना है, और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है जो जनता के सामने आया है।